अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, रिटर्न से मुतालिक सवाल है। जैसे अमेजोन और वो हो गया, तो उससे हम सामान लेते हैं, तो शेख इस नियत से सामान लेना कि रिटर्न कर देंगे, या कंडीशनल सामान लेना कि हो सकता है रिटर्न कर देंगे, हो सकता है नहीं करेंगे, तो क्या ये सही होगा? यानी जिस वक्त आप सामान ले रहे हैं सामने वाले से, उसी जी वक्त आपकी नियत है कि इसको लेंगे और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर तो देंगे। ये तो हाँ, ये तो धोखा देने वाली बात हुई, और धोखा देना हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, वो धोखा आप चाहे किसी मुस्लिम को दें या किसी गैर मुस्लिम को दें, धोखा देना जायज नहीं है। अगर सामने वाले को पता हो कि आप रिटर्न कर दोगे कल को, आप पक्का रिटर्न, आपका इरादा रिटर्न करने का है, तो क्या आपको देगा? बिल्कुल नहीं देगा, नहीं देगा। तो रिटर्न के इरादे से लेना ये धोखा है जो कि जायज नहीं है। अलबत्ता आपने सामान लिया और सामने वाले ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर ना पसंद आए तो आप रिटर्न कर दो, तो ये अलग मसला है, फिर आप उस अपने ऑप्शन का इख्तियार कर सकते हैं। एक ऐसे रिलेटेड सवाल है कि अगर उससे अगर कंडीशनल रिटर्न कर देंगे, हो सकता है मुझे जरूरत हो, सकता है नहीं हो, मैंने ले लिया, अब मुझे अगर जरूरत होगी तो मैं रखूंगा, नहीं होगी तो नहीं रखूंगा। देखिए, एक मसला है फिक्र के अंदर, खियारु शर्त उसको कहा जाता है, खियारु शर्त। इसका माना यह है आसान लफ्जों में कि आप कोई सामान किसी से खरीदो और उससे ये इत्तेफाक करो कि भाई मुझे एक हफ्ते का इख्तियार है, एक हफ्ते के दौरान मैं जब चाहूंगा इसको मैं वापस कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं देखूंगा कि क्या यह सामान ठीक है, नहीं ठीक है, मेरे लिए मुनासिब है कि नहीं, इसलिए मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए। तो आप उससे एक हफ्ते का टाइम मांग रहे हैं और वो आपको टाइम दे रहा है, और ये जो मैं एक हफ्ता बता रहा हूं ये सिर्फ मिसाल है, वो दो दिन, तीन दिन, एक महीना, दो महीना भी हो सकता है। आप सामने वाले से बाकायदा ये एग्रीमेंट कर ले कि इतने दिन तक मुझे इख्तियार है, और वो राजी हो जाए तो उतने दिनों तक आपके पास ये इख्तियार होता है कि आप उस सामान को वापस कर दें, उससे कीमत वापस ले लें। खुद ही ऑफर करे कि 30 दिन में आप रिटर्न कर सकते हैं, कोई भी रीजन हो या कोई भी रीजन ना हो, बस ये बोल दो पसंद नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए, तो भी ये जायज हो जाएगा? बिल्कुल जायज है, जब सामने वाला आपको आपके, देखिए, जब खरीदो फरोख के वक्त जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उसके लिए रीजन नहीं चाहिए। जो एग्रीमेंट आपका हो गया है, सारा मामला क्लियर शफाफ है, तो जितने दिन तक उसने दिया है आपको वक्त, उतने दिन में आप बगैर रीजन के भी वापस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले ने आपको दिया हुआ है इख्तियार। तो शेख, और लिया ही है शेख वापस करने की नियत से, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा। हाँ, वो उनका पहला सवाल था कि अगर आपने रिटर्न करने के इरादे से लिया है तब ये जायज नहीं है, तब ये धोखा है। जी, जायज इसलिए नहीं है कि ये धोखा है सामने वाले के साथ। शेख, बस लास्ट बस ये क्लियर करना था कि शेख अगर पहली शर्त है कि कोई भी रीजन हो तो भी रिटर्न कर सकते हैं, तो उस शर्त में ले सकते हैं, अगर शिपिंग से बचना हो तो। ज्यादा सामान ले लेते हैं ना, एक अमाउंट होता है तो ज्यादा सामान ले लेते हैं हम लोग, तो अगर वो बोले कोई मसला नहीं है, आप शिपिंग विदाउट रीजन भी कर सकते हो या मुझे नहीं चाहिए तो भी कर सकते हो, तब जायज हो जाएगा? भाई, जब सामने वाले ने, हमने पहली सूरत में क्यों कहा कि नाजायज है, क्योंकि आप धोखा दे रहे हो सामने वाले को, और जब सामने वाले ने आपको इख्तियार दे रखा है बाकायदा तौर से, इतने दिनों तक आप रिटर्न कर सकते हो, उसने कोई कंडीशन नहीं लगाया है कि जब रीजन होगा तो रिटर्न करना, तो आपके पास रिटर्न करने का इख्तियार है, क्योंकि सामने वाले ने खुद ही वो इख्तियार आपको दिया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल बैयान बिल खियार मालम यतफर्रका, आगे हदीस में है इल्ला बै अल खियार। देखिए, जब इस हदीस का मतलब यह है कि जब हम कोई चीज खरीदते बेचते हैं तो जब तक हम मजलिस में बैठे हुए हैं तब तक दोनों, बेचने वाला खरीदने वाला, जब तक मजलिस में है तब तक दोनों को इख्तियार है कि उस बाय को मुलगा कैंसिल कर दें, जब तक मजलिस में बैठे हुए हैं। जब मजलिस से उठ गए अब वो इख्तियार खत्म हो गया, फिर रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन इल्ला बाय अल खियार, ऐसा बाय या ऐसी खरीदो फरोख्त जिसमें बाकायदा खियारु शर्त रखी गई हो, दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ हो कि इतने दिनों तक हम दोनों को इख्तियार है वापस करने का, तो उसमें बगैर रीजन के भी आप कर सकते हो। लेकिन जब ये खरीदो फरोख्त करते वक्त आपके दोनों के दरमियान इत्तेफाक हुआ हो, तब अगर वो आपने अपने अंदर ऐसे छुपाया हुआ कि मैं रिटर्न कर दूंगा,
तो ये सामने वाले के साथ धोखा होगा।